भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक एक दिन में सबसे अधिक 199 लोगों की मौत के साथ ही देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 49,000 को पार कर चुकी है। अब कुल 49,391 केसेस हो चुके हैं, वहीं जिसमें 14,183 लोग ठीक हुए हैं, वहीं 1,694 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि बीते 24 घंटे में 841 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 34 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 635 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 26 लोगों की यहां पर मौत। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस बीच चुनौतियां बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 11 दिनों में जितने पॉजिटिव केसेस थे वो डबल हो गए हैं, 5,000 के ऊपर पेशेंट पहुंच चुके हैं। ऐसे में लगातार केंद्र की ओर से नीति बनाई जा रही है, राज्य सरकारों की ओर से लगातार केसेस पे कंट्रोल करने के लिए नीति बनाई जा रही है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा कि जिन जिन राज्यों में अधिक संख्या में पेशेंट बढ़ रहे हैं उनके मुख्यमंत्रियों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र जी प्रीत, देखिए लगातार जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है अपने कार्य को लेकर, क्योंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन अभी लागू है तो लोग घरों से बाहर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन मुस्तैद है। सभी राज्यों में राज्य सरकारों की तरफ से ये अपील लगातार की जा रही है लोगों से कि जितने भी कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइंस सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जारी की जा रही है उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। आज जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद की थी, उसने ये बताया कि राज्य में पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरीके से बजट नहीं मिल पा रहा है, पैकेज नहीं मिल पा रहा है, लगातार राज्य सरकार की ओर से मांग की जा रही है। इसके बाद भी आर्थिक मोर्चे पे कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य है वो कमजोर है और अधिक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए केंद्र सरकार की ओर से, चाहे वो राज्यों की बात हो चाहे वो आम लोगों के लिए जो पैकेज का ऐलान किया गया था उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।